हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो स्पेशली मैं जो नव प्रवेशी छात्र हैं वर्ष 2020 में, मतलब जो वर्ष 2020 में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीए के लिए आवेदन पत्र डाले हैं, इच्छुक हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनके जहन में जो एक सवाल हमेशा आता रहता है कि हम कितना नंबर पा जाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, कट ऑफ क्या थी पिछली बार, अब की बार क्या होगी, ऐसे सवाल सबके जहन में घूम रहे होंगे। दोस्तों, आज इसी ही विषय पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक देखने के बाद आप लोग मेरा विश्वास मान लीजिए, लगभग आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, मैं अपना जितना भी हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसमें दो चीज समझना दोस्तों, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग कैसे होती है और कट ऑफ का क्या मतलब होता है। दोस्तों, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन मोड में होती है, मतलब वो ये कट ऑफ निर्धारित करते हैं, उस कट ऑफ के अंदर जितने लोग आते हैं, यहाँ पे प्रवेश भवन है, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग की क्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कट ऑफ का मतलब ये जान लीजिए कि कट ऑफ का मतलब आखिरी वो अंक जो निर्धारण किया गया विश्वविद्यालय द्वारा, उस अंक पे जिस आखिरी बच्चे का एडमिशन हुआ उसको कट ऑफ कहते हैं। पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए 163 गई थी, ओबीसी के लिए 149 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमी वीकर सेशन के लिए 136 गई थी, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 136 और एसटी में ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया था। दोस्तों, आप लोग बहुत ही तमीज और तहजीब से बात समझ लीजिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 25 डिपार्टमेंट है, मतलब 25 सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जितने लोग आते हैं, जितने लोग आएंगे, सबका उद्देश्य एक ही है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि सबकी प्रेफरेंस जो सब्जेक्ट की होती है वो जीएस वाली सब्जेक्ट पे ज्यादा होती है। सब लोग चाहते हैं कि हमें ज्योग्राफी मिले, हमें पॉलिटिकल साइंस मिले, हमें इकोनॉमिक्स मिल जाए, हमें क्या नाम से मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाए। कोई ये नहीं चाहता कि हमें उर्दू मिल जाए, हमें फारसी मिल जाए, हमें अरबी मिल जाए, हमें रशियन मिल जाए, तब भी हम ले लेंगे एडमिशन। तो 149 का मतलब जो 149 का एडमिशन हुआ होगा ना, उसे आपको पता है, उसे आपको बहुत मिला होगा, हिंदी बस एक सब्जेक्ट मिल पाया होगा कायदे का, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है 149 के। जो पहली कट ऑफ आती है, पहली कट ऑफ जो आती है राउंड फर्स्ट में आई थी 192 एंड एबव, जो बच्चा 192 एंड एबव वाली काउंसलिंग में कराया था वो जो सब्जेक्ट चाहा होगा वो सब्जेक्ट उसे मिले होगा। ऐसे में जो हाई मार्किंग वाले होते हैं वो सब अच्छी सब्जेक्ट ही लेते हैं। जैसे जैसे आपके मार्क्स कम होंगे, आपको फैसिलिटीज कम होती मिलती जाएंगी, आपको अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, आपको ना हॉस्टल मिलेगा ना ऐसी कोई फैसिलिटीज मिलने वाली है, बस एडमिशन हो जाएगा कैंपस में किसी तरीके से, और इससे जब नीचे जाएंगे तो आप एडमिटेड में जाएंगे। सारा खेल दोस्तों, कान खोल के सुन लीजिए, सारा खेल और सिर्फ आपके नंबर पे है, और वो नंबर आप भी बना सकते हैं, तो आप क्यों खेल में पड़े हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। अरे नहीं, एडमिशन नहीं पाना है आपको, आपको अच्छे सब्जेक्ट पाना है, आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है। सब आप जानते हो 250 सीट मात्र है ज्योग्राफी में, और लगभग 100 सीट है मॉडर्न हिस्ट्री में, 100 सीट है मॉडर्न हिस्ट्री में। अब बताओ 250 में कौन एडमिशन पाएगा, जागृति किसको मिलेगी, 163 वालों को मिलेगी, जो 190 पाएगा, 200 पाएगा, इसकी रेंज में जो लोग नंबर पाएंगे उनको मिलेगी जागृति। पॉलिटिकल साइंस किसको मिलेगी, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स वाले को मिलते हैं, कट ऑफ के लिए सीट भरी जाती है, बस सीट 3,350 है, कट ऑफ बना के तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी समय है दोस्तों, आप लोगों का टारगेट, आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 200+, अगर आप जनरल हैं तो 200+, ओबीसी हैं तो 190+, अगर आप एससी हैं तो 175+ कर लीजिए, अगर आप एससी हैं तो 150+ कर लीजिए, और ईडब्ल्यूएस हैं तो आप इसी में से बस इसी के आसपास मानिए, ओबीसी के पास ही 190 मान लीजिए। अगर इतने नंबर ला दिए तो मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा, जो काउंसलर होगा पूछेगा बेटा कौन सब्जेक्ट लोगे, तो गर्व से कहोगे जो कहोगे वो मिलेगी, जो फिलअप कर दिए मिलना है। इसमें है ना इतनी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आप लोगों में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो बीएसयू और इलाहाबाद दोनों जगह फॉर्म भरते हैं,
मैं भी भरा था पिछली बार। आपको रियलिटी बताऊं, बीएचयू में भी मेरा हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हुआ। बीएचयू मुझे सब्जेक्ट ही नहीं मिले, 176 नंबर मिले थे, मेरी रैंक 1000 के आसपास थी, मुझे हिंदी ऑनर्स में मिला, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और इंग्लिश मिला, मैं नहीं किया, छोड़ दिया वहां पे। तो अगर आपको सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप निश्चित तौर पे उसे रिजेक्ट कर देंगे, आप पढ़ने को मतलब ही नहीं है। आपका जो उद्देश्य है, देखिए कोई भी से गड़बड़ नहीं है, सबका अपना अलग स्कोप, अपना अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसे में अब आप किस दिशा में जा रहे हैं ये निर्धारण करता है आपको उस सब्जेक्ट की प्रेफरेंस पे। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में होनी है, एक्सपेक्टेड दैट आप किसी के इर्द गिर्द मान में चलिए, और खासकर जो बीए मतलब अभी इंटरमीडिएट अपीयरिंग में तुरंत आने वाले हैं एडमिशन लेके, उन बच्चों के लिए स्पेशल सुझाव है कि वो लोग तो और मेहनत करें। देखो जो लोग एक साल का गैप लिए हैं, दो साल का गैप लिए हैं, उनकी तैयारी आपसे बेहतर है, दो साल वो लोग पढ़े हैं। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ये नियम लगा रखा है, ध्यान से समझना ये नियम समझ लो, अगर आपका एक साल गैप होगा तो आपका 5% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, दो साल गैप होगा तो 10% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तीन साल गैप होगा तो 15% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपको, मतलब उसमें से इतने माइनस कर दिए जाएंगे, इससे ऊपर कितने भी हो 15% मैक्सिमम डिडक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो कोई दो साल गैप करके 200 नंबर पाया और उसका 5% डिडक्ट हुआ, मतलब 5-10 नंबर डिडक्ट हुआ, उसके बाद तो भी 190 है, इसने भी बहुत नंबर है। लेकिन जो 12th करके आए हैं वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई जो नव प्रवेशी छात्र बनना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो बहुत ध्यान दें, अभी भी टाइम है, अभी 26 सितंबर से एग्जाम होने वाले हैं, अभी भी 20 दिन की टाइम है, अभी से लग जाइए, अभी से कोई बात नहीं, कोई नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं होने वाला है, अभी से आप अच्छा कर जाएंगे। और दूसरी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर जो आपके मन में थोड़ा सा संदेह है कि यार इसकी रैंकिंग 200 के पार चली गई, यार इसमें क्या दिक्कत है, लू कि ना लू, दोस्तों एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग डाउन गई है, मानता हूँ डिसिप्लिनेशन या जिसकी वजह से नीचे गई है, चुनाव की वजह से, जिसके भी वजह से, लेकिन आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है, इसमें सबको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, 50-60 हजार लोग फॉर्म भरते हैं, 3-4 हजार एडमिशन पाते हैं, और उसमें से मात्र 200 लोगों को हॉस्टल मिलता है। ऐसे में आप लोग समझते हैं, अगर हॉस्टल पाना चाहते हैं तो और मेहनत करना पड़ेगा। पिछली बार का जब PCSJ का रिजल्ट आया था उसमें 72 लोग हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 72 लोग। आज भी जब PCS का रिजल्ट आता है तो उसमें विश्वविद्यालय का वेटेज अच्छा खासा होता है, UPSC में कम हुआ है, उसमें विश्वविद्यालय की भी कुछ कमियां रही, बच्चों की भी कुछ कमियां, जैसे बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा आप लोगों से यही सुझाव है कि आप लोग अभी भी कट ऑफ से आते हैं, अगर इतने रेंज में पाएंगे तो आपको मनचाहा सब्जेक्ट हॉस्टल आराम से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, अभी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे, मुझे पता है, क्योंकि सब प्रॉब्लम मैं पिछले साल झेल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप तक तो सब कुछ यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मुझे कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है, बस मुझे ये शौक है कि आप तक कुछ चीज़ें पहुँचा पाऊँ, आपको कुछ बता पाऊँ, इसी उद्देश्य से इसी शब्दों के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।